नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आत्मचिंतन के क्षण। समाज के कल्याण की बड़ी बड़ी बातें होती है, किंतु अपने जीवन के बारे में कभी कुछ सोचा है हमने? जिन बातों का भाषा उपदेश लेखा में हम व्यक्त करते हैं, क्या उन्हें कभी अपने अंतर में देखा है? क्या उन आदर्शों को हमें अपने परिवार, पड़ोस, राष्ट्रीय जीवन में व्यवहार करते हैं? यदि ऐसा होने लग जाए तो हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महान सुधार, व्यापक क्रांति सहज ही हो जाए। नम्रता एक प्रबल पुरुषार्थ है, जिसमें सबसे हित के लिए अन्यायी को मिटाने की नहीं, वरन उसके अत्याचार को सहज करके उसे सुधारने को ठोस विज्ञान है। यह भूल सुधार का एक साधन है, जिसमें दूसरों को कष्ट न देकर स्वयं कष्ट सहन करने की क्षमता है। सच्ची प्रगति झूठ में आधार अपनाने से उपलब्ध नहीं हो सकती। स्थायी सफलता और स्थिर समृद्धि के लिए उत्कृष्ट मानवीय गुणों का परिचय देना पड़ता है। जो इस कसौटी पर कैसे जानने से बचना चाहते हैं, जो जैसे मन तुरंत तत्काल बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सपने न सार्थक होते हैं न सफल। धर्म अफीम की गोली नहीं है, परस्पर विद्वेष और असहिष्णुता उत्पन्न करने वाली कट्टरता को सांप्रदायिक कहा जा सकता है, पर जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रेम, दया, करुणा, सेवा, उदारता, स्वयं एवं सुहृदयता को बढ़ाना है। इस उस धर्म को न तो अनाशक्ता कहा जा सकता है और न अनुन्यायी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।